उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के गंगापुर में मोबाइल चोरी के शक में डेयरी मालिक अवधेश यादव ने 5 बच्चों को खूंटे से बांधकर उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, एक बच्चे को करंट भी लगाया। पड़ोसी से जानकारी मिलने पर एक बच्चे की मां ने बारादरी पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने बच्चों को मुक्त कराया। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने अवधेश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। दरअसल पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि गंगापुर का डेयरी मालिक अवधेश कुमार, उसका चाचा और बहनोई उनके घर में घुसाए और उनके बेटे को जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए। उस समय वो काम करने गई थी। पड़ोसी ने उन्हें फोन करके इसकी सूचना दी तो वो डेयरी पर पहुंची। वहां देखा कि उनके बेटे के साथ ही 12 से 14 वर्ष के 4 अन्य बच्चों को बांधकर पिटाई की जा रही थी। पीड़िता का आरोप है कि एक बच्चे को करंट भी लगाया जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे को छोड़ने को कहा तो अवधेश ने अपने परिजनों के साथ मिलकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने मेरे बच्चों को सवेरे 6 बजे ले गए उठा के, लड़का को मेरे को। अच्छा। और एक लड़का गंगापुर से लिया, 2 सिकलेपुर से लिए। तो जे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी चोरी हो गई है, तो जिन लड़कों ने कहा था करिए, तो उन लड़कों ने मना करी और इन्होंने जबरदस्ती उनको मार मार के उनके करंट लगाए और घर में बंद करके इन्होंने मारा। पता भी नहीं चली किसी को कहाँ रखा कहाँ नहीं। जब हमें पता चली तो हम छुड़ा के लाए। इन्होंने बांध के धूप में रखे बच्चे को ताई और करंट लगा के मारा है। अच्छा, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो किस हालत में थे बच्चे? रस्सी में बंधे हुए थे और बहुत कांप रहे बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, धूप में बैठे हुए थे। मोहल्ला गंगापुर चौकी छत्र श्यामगंज थाना बारादरी पर कुछ लोगों के द्वारा चौकी श्यामगंज पर आकर यह बताया गया कि पास के ही एक डेयरी चलाने वाले व्यक्ति ने मोहल्ला के कुछ बच्चों को मोबाइल चोरी के शक में बंधक बनाया हुआ है। तो सूचना पर यकीन करते हुए चौकी श्यामगंज की पुलिस मौके पर गई तो पाया कि 5 बच्चे को जो डेयरी संचालक है अपने कमरे में बंद किए हुआ है। डेयरी संचालक पुलिस वाता देख भाग गया। वहां से जो 5 बच्चे थे उनको बंधक से मुक्त कराया गया। इसमें से 4 बच्चे नाबालिग और 1 बच्चा बालिग था। इसमें से जो एक बच्चा है अंकित कश्यप, उनकी मां के तहरीर के आधार पर थाना बारादरी पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 363, 452, 342, 323, 504, 506 IPC है और 6 लोग इसमें नामजद है। जो भी नामजद व्यक्ति है गिरफ्तारी के लिए टीम में लगा दी गई है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। पीड़िता ने डायल 112 को फोन किया तो कुछ ही देर में पीआरबी और बारादरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी बच्चों को वहां से मुक्त कराया लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने डेयरी मालिक और उसके रिश्तेदारों की बर्बरता की कहानी बताई।